दो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो के अंदर अपने पर बात करेंगे जो त्रिनिदाद टी10 ब्लास्ट का आज के दिन मैच नंबर 5 होगा, जो खेला जाएगा 9:30 बजे, और मैच जो है वो खेला जाएगा ईस्टर्न पाल प्लेयर्स वर्सेस पीबीसी के बीच में। तो इस मुकाबले की आपको पूरी जानकारी वीडियो में मिलेगी, बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो जो है लास्ट तक वॉच करना है, आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले भाइयों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर जो पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप आसानी के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो सेम वेन्यू क्विंस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद के अंदर ये मुकाबला खेला जाएगा, जहां पर अब तक के सारे मैचेस खेले गए हैं। सबसे पहले भाइयों देखो, यहां पर 4 मैच हुए हैं, 2 जीते बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 2 मैच चेज हुए हैं, तो टॉस का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। एवरेज स्कोर 70 से 90 के बीच में यहाँ पर बनता है। अब देखो, पहले बात करेंगे ईस्टर्न पाल प्लेयर्स की टीम की, तो इनकी तरफ से ओपन करते हैं नवीन विद्यासी, फिर आते हैं सिद्धल डाइस, कमिल पूरन, दिनेश रामदीन, क्लेवन क्लावन, यहाँ से एंटोनियो गोमेज, जिरलानी सिल्स, राजीव रामनाथ, राकेश महाराज, रिकार्डो चेज और केफिर यहाँ पर गिशावान। तो ये इनकी टीम का लास्ट मैच के अंदर प्लेइंग 11 था विद बैटिंग ऑर्डर। स्टैट्स की अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ तो इनकी टीम का जो लास्ट मैच हुआ वो मैच इनकी टीम हार गई थी। ओपन कौन ने किया था? नवीन विद्यासी और यहाँ से सिडल डाइज ने ओपन किया था। नवीन विद्यासी एक ऑलराउंडर प्लेयर है, हालांकि पहले मैच में 18 नॉट आउट की पारी खेली थी, बॉलिंग इसको नहीं मिली, लेकिन ये बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग करने वाला प्लेयर है। आप देख सकते हो 22 टी10 में 282 रन, 18 विकेट है 27 ओवर डाल के। सिदल डियाज 4 रन किए, 1 विकेट था 2 ओवर डाल के, 6 टी10 में 37 एक विकेट है। कमिल पुरन 0 रन किया, 1 विकेट था, वैसे इसका मेन काम बैटिंग है, लेकिन लास्ट मैच में इसको बॉलिंग भी मिली थी, 33 टी10 में 616, 3 विकेट है। दिनेश रामदीन की पहले मैच में बैटिंग नहीं आई थी, 19 टी10 में 90 रन है। क्लेवन क्लावन पहले मैच में बैटिंग बॉलिंग कुछ भी मिल नहीं मिली, हालांकि देखो अगर आप इसका टी10 का रिकॉर्ड देखोगे, 4 में 14 14 का एवरेज, 0 विकेट है, लेकिन अपने क्लब के लिए टी20 के अंदर 7 मैच में 87 10 विकेट है। तो हाल फिलहाल में टी20 में तो बहुत अच्छी बॉलिंग करवा के आया है, लेकिन यहाँ पर पहले मैच में इसको बॉलिंग नहीं मिली थी। एंटोनियो गोमेज 9 बैटिंग रहा है, 8 टी10 में से पहले 12 रन है। अभी के लिए अगर सेफ पिक देखोगे तो नवीन विद्यासी, सिदल डाइस और कमिल पुरन, ये 3 प्लेयर आपके लिए बहुत क्रूशल बन जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लेयर है जरलानी सिल्स, 1 विकेट इसको मिला 2 ओवर डाल के, 8 टी10 में 43 रन, 4 विकेट है 9 ओवर डाल के। राजीव रामनाथ 9 बैटिंग रहे थे इससे पहले, 4 टी10 में 3 रन है। राकेश महाराज मेन बॉलर है, 1 विकेट इसको मिला, 7 मिनट में 4 विकेट है। रिकार्डो चेज ने 2 ओवर डाले, विकेट लेस था। और यहाँ पर काइफर गिनस्याम, 2 बैटिंग बॉलिंग कुछ भी नहीं मिली। तो यहाँ से ये 2 जो बॉलर हैं, इनको आप अपनी टीम में अभी के लिए ट्राई करके चल सकते हो। बाकी ये इनके बेंच के प्लेयर हैं। लास्ट जो इनका मुकाबला हुआ था वहाँ पर पावर प्ले में बॉलिंग कराई थी आर महाराज, आर चेस, जे सिल्स डेथ में आए थे, आर चेस, आर महाराज और के पुरन यहाँ पर डेथ के अंदर बॉलिंग करवाने आए थे। अब बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि पीबीसी की टीम की। पीबीसी की जो टीम है इनकी तरफ से ओपन करते हैं जकेरी रघुनाथ, सेमुअल रूप नारायण, लियोनार्डो जूलियन, अद्रियान कूपर, विकास राम प्रसाद, क्रिस्टोफर विंसेंट, रमेश ब्रिजलाल, यहाँ से इमोल ग्रेशिया आउट्रम, अमित शंकर, स्टेपन सीप्रसाद और जस्टिन गंगू। तो ये इनकी टीम का लास्ट मैच के अंदर प्लेइंग 11 था विद बैटिंग ऑर्डर। स्टार्ट्स की बात करूँ, इनकी टीम लास्ट मुकाबला यहाँ पर जीती थी। देखो जकेरी रघुनाथ और उनके साथ में यहाँ पर शेमुल रूप नारायण ने ओपन किया था। अब देखो जकेरी रघुनाथ जो है ना पहली बार टी10 खेल रहा है, लेकिन पहले मैच में 21 की अच्छी पारी थी, इससे पहले 2 टी20 में 104 रन, बढ़िया प्लेयर है। सेमल रूप नारायण 20 रन भी किए और पूरे 2 ओवर डाले, तो भाई सीबीसी का बहुत बढ़िया चॉइस है, क्योंकि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग कर रहा है। इससे पहले 5 टी10 में 4 विकेट है, टी20 में 8 मैच में 9 विकेट है। लियोनार्डो जूलियन पहले मैच में 1 रन किया, लेकिन ये अच्छा प्लेयर है, आप देख सकते हो 24 टी10 में 325 रन, 2 विकेट है। फॉर्म लिस्टे का है 1 82 18 18। अद्रियान कूपर पहले मैच में 16 रन किए, इससे पहले 7 टी10 में 31, 1 विकेट है। विकास राम प्रसाद 10 रन किए, 1 विकेट था, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग कर रहा है तो अच्छा प्लेयर है मेरे हिसाब से। क्रिस्टोफर विंसेंट 7 रन 1 विकेट, ये भी बढ़िया बॉलर है, 24 मैच में 24 विकेट इसके पहले इसके नाम। तो यहाँ से देखो जकेरी रघुनाथ, सेमुअल रूप नारायण, लियोनार्डो जूलियन,
विकास राम प्रसोद और क्रिस्टोफर विंसेंट, ये जो पांच प्लेयर हैं ये सेफ प्लेयर हैं जिनको आप टीम में रख सकते हो। रमेश ब्रिजलाल ने दो ओवर की बहुत बढ़िया बॉलिंग कराई, दो विकेट मिले थे, 17 मैच में से पहले 6 विकेट आए। और यहाँ से ई ग्रेशिया नो बैटिंग रहा था, अमित शंकर दो ओवर डाल के विकेट लेस, स्टेपन सिपरसोद ये भी नो बैटिंग रहा था, इससे पहले डोमेस्टिक टी ट्वेंटी में 5 मैच में 24 दो विकेट हैं। जस्टिन गंगू को एक विकेट मिला और ये विकेट टेकर भी हैं, 20 मैच में 16 विकेट हैं। तो देखो ब्रिजलाल को ना सेफ मांग रहे हैं लोग क्योंकि लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले, लेकिन पुराना रिकॉर्ड इसका उतना खास है नहीं। गंगू फिर भी अच्छा बॉलर है जिसको आप टीम में बिल्कुल रख सकते हो। बाकी ये इनके बेंच के प्लेयर हैं, लास्ट मैच में स्टार्टिंग ओवर डाले जय गंगू, सी विंसेंट और एस रूप नारायण, डेथ में आए ए शंकर और आर ब्रिजलाल, यहाँ पर डेथ के अंदर बॉलिंग करवाने आए थे। एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ। उससे पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ज़रूरी है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन के अंदर पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप आसानी के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल के लिए डेमो टीम की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर तो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने रखा है एल जूलियन, यहाँ से जेड रघुनाथ, के पूरन, एस डियास, एन विद्यासी, वी राम प्रसोद, आर ब्रजलाल, सी विंसेंट, एस रूप नारायण, आर महाराज, जे गंगू को मैंने पिक किया हुआ है, कैप्टन एस रूप नारायण, वाइस कैप्टन एन विद्यासी। बाकी फाइनल टीम मिलेगी टेलीग्राम पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।